भारतीय टीम के लिए दक्षिण अफ्रीकी दौरे से पहले एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा है रोहित शर्मा के रूप में। जी हां, रोहित शर्मा अब टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और ऐसे में भारतीय टीम का टेस्ट सीरीज जीतने का जो सपना है उस पर पानी फिर सकता है, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि रोहित शर्मा ने किस प्रकार से इंग्लैंड में जाकर के ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई थी केएल राहुल के साथ में और भारत को सीरीज में 2-1 की बढ़त दिलाई थी। लेकिन अब रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से टेस्ट सीरीज से तो बाहर हो ही गए हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है क्या वो ओडीआई सीरीज खेल पाएंगे। बतौर कप्तान ये पहली सीरीज होने वाली थी ओडीआई की, लेकिन अब वहां पर वो क्या खेल पाएंगे इस पर संशय बरकरार हो गया है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी एक ऐसी इंजरी होती है जो जल्दी सही होती हुई तो नजर नहीं आती और ऐसे में टेस्ट सीरीज जैसे ही खत्म होगा उसके तुरंत 3 दिनों के बाद से 19, 21 और 23 जनवरी को आपका वनडे सीरीज खेला जाएगा और ऐसे में रोहित शर्मा वनडे सीरीज भी खेलेंगे इस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी जब तक सही नहीं होगी तब तक रोहित शर्मा टीम में वापसी करते हुए नहीं दिखेंगे, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज के साथ साथ ओडीआई सीरीज से भी बाहर हो जाएंगे या ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा कप्तानी करते नजर आएंगे या फिर भारत में जब सीरीज खेली जाएगी तभी वो नजर आएंगे कप्तानी करते हुए वनडे सीरीज में। फिलहाल आप सबकी क्या राय है और रोहित शर्मा के बिना ये टीम क्या टेस्ट सीरीज में फतह कर पाएगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ लगातार पल पल की क्रिकेट की खबरों के लिए बने रहिए।